हाय गाइस, मैं पंढरपुर की यात्रा के लिए निकल रही हूँ। मैं आपको आगे बताती हूँ। हम वहाँ से बॉम्बे से 10 बजे निकले हैं और अब सुबह 6 बजे पंढरपुर और चंद्रभामा नदी को पार करते हुए पंढरपुर पहुँच गए हैं। हाय गाइस, हम पंढरपुर पहुंच चुके हैं। ये सामने मंदिर का रास्ता है और ये देखिए, ये सब पंढरपुर का नज़ारा है। ये देखिए, हम सुबह 6 बजे हम पहुंच चुके हैं, 6:15 बज रहे हैं और हम बॉम्बे से 10 बजे निकल के और हम पंढरपुर पहुंच चुके हैं और अभी हम चाय पी रहे हैं। हाय गाइस, मैं चंद्रभामा नदी के किनारे आई हूँ। पैर हाथ मुँह धोऊंगी। वैसे लोग बाग कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पर और कुछ लोग, क्योंकि पानी ज़्यादा होने के कारण मैं यहाँ पे स्नान नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। और ये देखिए चंद्रभामा नदी और उधर इस्कॉन मंदिर, ये देखिए। जनो ये देखिए, विठ्ठल का मंदिर है ये। जय पांडुरंगा, जय रुक्मणी माता की जय, जय राधा रानी की जय। हाय गाइस, हम विष्णु पद मंदिर खड़े आ पहुँचे हैं। विष्णु भगवान की, ये भगवान विष्णु नारायण के पैर हैं, कदम हैं। विष्णु भगवान के दर्शन कीजिए। इस ये पेड़ 5000 साल पुराना पेड़ है। ये जना बाई का मंदिर है। हम आप सगळी गाडीत बसली होती, ती तुझी जेवलं तिथे ना। ये जना बाई की रसोई है जहाँ पे जना बाई अपना खाना बनाती थी। ये पुण्य धाम है पंढरपुर में। ये बहुत बड़ा है, बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है देखने में। आधा पौने घंटा उसको घूमने में चला जाता, कम से कम आधा घंटा तो लगता है घूमने। हाय गाइस, अभी मैं यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग आई हूँ। पंढरपुर के ये अंदर है, ये देखिए। मैं आपको ज्योतिर्लिंग का अंदर का दृश्य दिखाती हूँ, देखिए भक्तजनों। हाय गाइस, तुलसी वृंदावन आए हुए हैं हम, ये देखिए। और बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शन हुए, आपने आपको भी करवाएंगे सारे दर्शन, ये देखिए। मैं तुलसी वृंदावन के अंदर आ पहुंची हूँ, ये देखिए। और ये देखते जा रहे, ये देखिए। ये देखिए, ये
जन्नत है, जन्नत है। ये देखिए भक्त जनों, मिठल जी कैसे खड़े हुए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।